बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं नान। मैं आपको तीन चार किस्म के नान बनाने सिखाऊंगी जो बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ एक ही तरह की डो बनानी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे हम इसको डिफरेंट टेस्ट में बदल सकते हैं। नान बनाने के लिए जो हमें इन्ग्रीडियंट्स चाहिए वो नोट कर ले। 2.5 कप मैदा, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून शुगर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, दही 1/2 कप। दही आपने रूम टेम्परेचर वाला यूज करना है, आपने फ्रिज से निकला हुआ ठंडा दही यूज नहीं करना है। कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून, वार्म वाटर आटे को गूंदने के लिए, जितना भी हमें रिक्वायर होगा हम उतना यूज कर लेंगे। अब हम सबसे पहले मैदा डालेंगे इसके अंदर। फिर हम इसके अंदर सॉल्ट, बेकिंग पाउडर, शुगर, ऑयल, दही, इन सब को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको अच्छे से हम लोग गूंद लेते हैं। सारी चीजों को मैंने मिक्स कर लिया इसके अंदर। थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है और डाल लेंगे अगर हमें ज़रूरत हुई तो। इसको 5 मिनट के लिए आप इसको अच्छे से गूंदें। ये देख लीजिए हमारी डो रेडी हो गई। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा दिया है। मैंने इसको ऑलमोस्ट 5 मिनट्स के लिए गूंदा है। अब हम इसको क्लिंग फिल्म से अच्छे से कवर कर देंगे और 30 मिनट्स के लिए रख देंगे। देख लीजिए हमारी डो रेडी हो गई है। इसको 30 मिनट्स हो गए हैं, ये रेस हो गई है। अब हम इसके पेड़े बनाते हैं। अच्छा जी, अब इसके पेड़े बना लेते हैं। देखिए अच्छा जी, हम अब इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। उसके बाद फिर हम इसके नान बनाते हैं। हम इसको बेल लेते हैं। थोड़ा सा डस्ट कर लें इसके ऊपर। इसकी एक साइड पे पानी लगा लेते हैं। ऐसे देख ले जी, अच्छे से पानी लगाना है और ये पानी वाली साइड तवे के ऊपर जाएगी। हमने तवे के ऊपर डाल दिया है। देख ले, ये बबल बनना शुरू हो गए। इसकी एक साइड पकना शुरू हो गई है। अब हम इसकी दूसरी साइड जो है ऐसे तवे को उल्टा करके चूल्हे के ऊपर डायरेक्ट बना लेंगे। ये देख लें जी कैसे बबल बन रहे हैं और कैसे ये पक रहा है। इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे, फिर मैं इसको उतार लूँगी। ये नान हमारा परफेक्ट बना है, देख लें। इसको आप उतार लेते हैं। ये देख लें जी, बड़ा परफेक्ट बना है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर बटर लगा लें, देसी घी लगा लें, जो आपका दिल चाहे वो आप लगा लें। हम लोग बनाना शुरू हो गए हैं। ये मैं गार्लिक नान बनाऊँगी। डो सबकी एक जैसी बनती है, बस उसके बाद अगर आपको गार्लिक पसंद है आप गार्लिक लगा लें, आपको ब्लैक सीड पसंद है कलौंजी वो लगा लें, वो आपकी चॉइस है।
अगर आप गार्लिक लगाना चाहते हैं आप गार्लिक लगा लें ऐसे, इसके छोटे छोटे स्लाइस जो है वो आप ऐसे। थोड़ा सा धनिया लगा लें इसके ऊपर। दूसरी साइड पे हम लोग ऐसे पानी लगा लेते हैं, सेम वही जैसे हमने पहले किया था, लेकिन पानी अच्छे से लगना चाहिए। देखे ऊपर डाल देते हैं इसे। बनना शुरू हो गए हैं, हम पहले एक साइड पकाएंगे, फिर हम इसको पलट के दूसरी साइड पकाएंगे। चलिए हम इसको पलट के दूसरी साइड पका लेते हैं। ऐसे ये देख लें, आपने इसको मुसलसल ऐसे हिलाते रहना है ताकि इसकी सारी साइड अच्छे से पक जाए। ये देख लें जी कितना अच्छा कलर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है इसको? अगर आप एक ही जगह पे रखेंगे ये जल जाएगा उस जगह से ना, आपने इसको मुसलसल हिलाते रहना है तो इसका बड़ा ही जबरदस्त कलर आता है। देख लें जी ये रेडी हो गया, अब इसको उतार लेते हैं। ये देखिए घी लगा लें, बटर लगा लें, जो आपका दिल चाहे आप इसको लगा के सर्व करें। मैंने अगला नान शुरू कर लिया है। हम इसके ऊपर थोड़े से ब्लैक सीड डाल देते हैं, ये कलौंजी, थोड़ा सा धनिया। अब इसको थोड़ा सा हम इसकी साइड बदल लेते हैं और इधर पानी लगा लेते हैं, जैसे हमने सब नान के साथ किया वैसे, लेकिन पानी आपने अच्छे से लगाना है। और मैंने इसको तवे के ऊपर डाल दिया। देख लीजिए बबल बनना शुरू हो गए हैं। अब इसकी साइड पलट लेते हैं और दूसरी साइड से इसको ऐसे पकाना शुरू कर देते हैं। याद रहे जी फ्लेम जो है वो हाई होना चाहिए और इसको आस्ता आस्ता ऐसे हिलाते रहें। ये हमारा नान अभी रेडी हो गया है, देख लें जी ये वाला, ये देखे। अब हम इसको उतार के प्लेट में रख लेते हैं। अब इसको उतार लेते हैं जी, ये देखे। इसकी दूसरी साइड भी देख ले, बहुत ही जबरदस्त बना है। ये साइड भी देख ले। इसके ऊपर जो है वो देसी घी लगा रहे हैं, बटर भी लगा सकते हैं, मैंने पहले भी बोला है। हम इसके ऊपर ये तिल लगा लेते हैं ऐसे, देख लें, स्प्रिंकल करते हैं ऐसे अच्छे से। हम थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे प्रेस करेंगे हल्के हाथों से। हम पानी लगा लेते हैं। अच्छे से पानी लगा लें। अब मैंने इसको तवे के ऊपर डाल दिया है, देख लें। अब हम इसकी दूसरी साइड पका लेते हैं। वही अगेन आप इसको घुमाते रहना है, तेज फ्लेम रखना है और इसको ये देख लीजिए हमारा नान रेडी हो गया। अब हम इसको उतार लेते हैं। बटर लगा लें इसके ऊपर या देसी घी लगा लें, मैं देसी घी लगा रही हूँ। या मैं एक और नान बनाने जा रही हूँ जो मैं थोड़ा सा थिक बनाना चाहती हूँ ताकि आप लोग देख सके, ये थिक भी बड़ा जबरदस्त बनेगा। ये देख लें ये थोड़ा सा मैंने थिक बनाया है, दूसरे मैंने पतले पतले बनाए थे, ये थोड़ा सा थिक है। मैंने इसको तवे के ऊपर डाल दिया है। ये देख लें जी कैसे बबल बनना शुरू हो गए इसके ऊपर, ये थोड़ा सा थिक नान है। अब मैं इसको थोड़ा सा पकाती हूँ, इसके बाद मैं इसकी साइड पलट लूंगी। ये देख लें जी रेडी हो गया है, हम इसको निकाल लेते हैं। अब ये देख लीजिए ये हमारा थिक वाला नान बना है, बहुत ही जबरदस्त बना है, आप देख सकते हैं। देसी घी लगा लेते हैं। देख लीजिए सारे नान रेडी है। ये मैंने जो थिक वाला नान बनाया था ये वो वाला है। ये देख लीजिए कैसे ये ऊपर बबल्स बने हुए, बहुत ही जबरदस्त बना है, आप देख सकते हैं। ये जो है ये ब्लैक सीड कलौंजी वाला कलौंजी और इसके ऊपर मैंने धनिया थोड़ा सा लगाया है। ये तिलों वाला नान है, सिम सिम नान जो होता है वो वाला। ये सादा नान मैंने बनाया था, ये भी देख लें आप लोग।
और ये वाला गार्लिक नान मैंने बनाया था, मैंने साथ में थोड़ा सा गार्लिक लगा के और धनिया लगा के मैंने इसको बनाया है। ये बहुत ही डिलीशियस बनते हैं, प्लीज़ आप ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा कैसे बने आप लोगों के नान। इसको आप चिकन करी या किसी भी सालन के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।